हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे, और इसी क्रम में आज सेकंड डे में सेकंड प्रैक्टिस सेट, और जिसमें 15 और क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 15-15 करके कर रहे हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में। और एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर तैयारी करते रहें। जो भी चीज़ें हैं अभी ये भी नहीं कन्फर्म हो पा रहा कि पहले एनटीपीसी होगा या ग्रुप डी होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपसे चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग कम से कम 5 लोगों को वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को भी फायदा हो और चैनल पे और लोग आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो ये इस काम को कर दिया कीजिए। अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेलवे के एग्जाम में। बोर्ड मास रूल से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और 100% कन्फर्म है 2 क्वेश्चन आने हैं, तो ये बोर्ड मास रूल का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोर्ड मास रूल का फॉलो होगा। जिन लोगों को भी नहीं आता, वो लोग पहला काम करें, रेलवे की तैयारी करें, तो बोर्ड मास रूल जरूर सीख लें, क्योंकि बोर्ड मास आप बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये आना चाहिए। तो उसी के रूल में चीज़ें दी होती है, कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, पहले आप किसको सॉल्व करते हैं, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं सब्सट्रैक्टन, मल्टीप्लिकेशन, एडिक्शन, कौन सी चीज़ें पहले की जाती हैं, तो वो बोर्ड मास रूल में आपको दिया गया है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, हम रूल की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गई है। 63 माइनस -3, और फिर ब्रैकेट में है -2, -8, -4 भागा 3 का माने, ध्यान रखिए का माने हमेशा गुणा होता है, तो का की जगह पे हमने गुणा लगा दिया, 5 प्लस -2, उसके बाद ये -1, फिर ये वाला ब्रैकेट बंद, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं होने वाला, सिंपल से 63 है, 63 को हमने लिख दिया। फिर इस वाले ब्रैकेट को अभी हम नहीं सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं, इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करके लिख देते हैं। तो -2 -8 और ये -4, ये -14 हो जाएगा, ये -14 हो गया। फिर हमने देखा भागा 3 है, इसको हमने कर दिया, इस मझले ब्रैकेट को भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5 है प्लस है -2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 -1 का मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, -2 -1 का मल्टीप्लाई +2 हो जाएगा, यानी कि मझले ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, 5 + 2। ठीक, अब आगे देखते हैं, आप 63 ऐसे ही लिख दीजिए, 63 ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, -3 और -14 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस में आएगा 42, लेकिन यहाँ पर चूँकि माइनस है तो ये -42 हो जाएगा, भागा अभी देखिए 5 × 2 = 7 हो गया, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 7 × 3 = 21 हो गया, 21 हो गया। अब आइए, अब क्या करेंगे आप, पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 21 और 42 में 21 का भाग देंगे 3 आएगा, और 63 में से सॉरी 21 2 आएगा, 42 में 21 का भाग देंगे 2 आएगा, और 63 में से 2 माइनस कर देंगे 61 आएगा, आपका यही आंसर निकल के आ गया। कितनी आसानी से सिंपल तरीके से ऐसे आप निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, थोड़ा रेड कलर कर देते हैं तो ये मज़ा आता है देखने में, अच्छा लगता है। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, डार्क करते हैं रेड में। एक शर्ट पर 1600 रुपये मूल्य लिखा है, आपने मार्केट में गए, बिग बाज़ार में गए, आप शर्ट देखने लगे, उस पर जो प्राइस है वो 1600 रुपये लिखा है, तो आप मान के चलते हैं कि उस शर्ट का जो मेन प्राइस है, एक्चुअल प्राइस 100 है, और 100 किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। अगर जो 10% लाभ लेता है तो आप 100 में प्लस करोगे, और माइनस छूट देता है या डिस्काउंट करता है तो 100 में माइनस करोगे, तो उसमें 10% की छूट दे दी जाती है। तो 10% की छूट दी तो कितना हो गया, 90, और ये कितने के बराबर हो गया, तो आप निकाल लोगे 1600, ये 100 नीचे आ जाएगा, भाग दे दोगे और 90 का गुणा कर दोगे, ये 0 से 0 कट गया, 16 में आप 90 का मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1440 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अनुसार किस वर्ष स्टोर बी में जो बिक्री है वो 13 लाख से ज़्यादा, 13 लाख से ज़्यादा कहा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, 13 लाख नहीं पूछा है, 13 लाख से ज़्यादा। तो इसमें देखेंगे आपका बी वाला ये है, इसमें साफ नहीं दिया है, यहाँ पर जो हमारा
यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला इसमें कन्फ्यूजन हो गया, ये स्टोर ए है, ये स्टोर बी नहीं सॉरी, ये स्टोर ए है, ये भी स्टोर ए, ये भी स्टोर ए, ये वाला स्टोर बी है, ये वाला स्टोर सी है। तो इसमें देखिए स्टोर बी ये वाले दूसरे वाले में किस वर्ष बिक्री जो है 13 लाख से ज़्यादा है। तो इसमें देखेंगे ये बी में ये पहला है 14 लाख है, मतलब 13 लाख से ज़्यादा है। इसमें देखेंगे दूसरे वर्ष में 12 है, मतलब 14 लाख से 13 लाख से कम है। इसमें 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक, सिर्फ एक वर्ष में जो पहले वर्ष है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कमा निकालना। बहुत ही सिंपल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। टेन थीटा कितना दिया है, टेन थीटा दिया है आपका, टेन थीटा बराबर दिया है 4/3। आपको पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब ये लंब बटे आधार, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया लंब बटे आधार, लंब 4 है आधार 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे लंब पता है 4 है, आधार पता है 3 है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ये निकाल लोगे, ये निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये निकालोगे आपका 5 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे 5 आएगा। कैसे निकालोगे मैं तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ डिनोट कर लेना। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर करोगे, कर्ण का स्क्वायर ये निकालना है आपको बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 16 9 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा इस प्रकार से, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 निकल के आ गया। तो आपको क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कट 4/5, 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5, 3/5। तो इसको ऐड करोगे 4/+ प्लस 3/5, ये आपका क्या आएगा 5 आ गया, और यहाँ से 4+3 कितना हो गया 7/5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वाला देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 0/3/1000 किसके बराबर है। अब दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे 3 हटेगा, यहाँ पे नीचे 10 से गुणा हो जाएगा, कितने से 10 से, तो क्या हो गया 3/10^4। ये दशमलव पद्धति का क्वेश्चन है, ये 10^4 ऊपर ले जाओ, 3×10^-4, ऑप्शन नंबर बी ठीक। आगे चलते हैं, इसमें दिया है पी बराबर 3/5 और 2/7 का योग, पी बराबर 3/5 और 2/7 का योग, और क्यू बराबर 15/31 है, तो पी गुणे क्यू का मूल्य इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम पी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, पी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो पी की वैल्यू निकालेंगे क्या है, 3/5+2/7 का योग निकालना है, तो पी 3/5 और 2/7 का योग निकालेंगे, सॉरी ये 7 है, तो इसका योग निकालेंगे, तो ये लहसुन निकलेंगे 35 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5×7=21, और ये 10 आएगा। अब आपको ये भी सॉल्व करने ना आता हो, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को ऐड कैसे कहते हैं, फ्रैक्शन का घटाते कैसे हैं, तो ये अब मेरे बस की बात नहीं है आपको मैथ सिखाना। मैं अगर जो कहोगे तो मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन इतना तो आपको आना ही चाहिए, आप मैथ अगर जो रेलवे के एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो आपको पी की वैल्यू पता चल गई 31/35, क्यू की वैल्यू दी हुई है 15/31, आपको क्या निकालना है, पी गुड़े क्यू निकालना है, यानी कि इसमें 31/35 में, सॉरी 31/35 ये आपका पी हो गई, गुड़े क्यू कितना दिया है 15/31, ये 31 से 31 का कट गया, 15/35 आंसर आ गया। ऑप्शन में है नहीं तो 5 से काट दोगे, 3/7, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक त्रिभुज में एक कोण दिया है 82 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है 180 होता है, 101 कोण दिया है 82 डिग्री, अब दिया है आपको और दो कोणों का जो है वो रेशियो दिया है, रेशियो कितना दिया है 2:5। अब देखिए तीनों कोणों का योग होता है 180, अब एक कोण दे दिया 82, तो दो कोण कैसे पता चलेगा, 180 में से 82 घटा दो कितना आ गया, ये आ गया लगभग आपका 98 ये आपका आ गया 98 निकल गए ठीक है। देखो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व, जरूरी नहीं आप पूरा फॉर्मूला लगाओ, आप कम्पिटिटिव का कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो ठीक है, फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो आप फंस जाओगे,
टाइम ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। तो ये 98 आ गया, दो कोड जो बच, एक तो आपका 82 हो गया, बाकी जो दो कोड बचेंगे उनका एक 98 है जो 2:5 में बटा है। अब इनको 2:5 में डिवाइड करना आपको आता ही होगा, इसको 2x मान लो, इसको 5x मान लो, फिर 7x हो गया और 7 यहाँ नीचे आया तो आपका x की वैल्यू निकल के आई। x की वैल्यू निकाल लोगे जो आपका लगभग आएगा 14 आएगा, तो यहाँ से 14 दूनी 28 और 14 25 70, यानी कि 70 हो गया ये। और यहाँ की एक कोड 28 आ गया, एक कोड 70 आ गया, एक कोड आपका पहले से दिया हुआ 82, यानी कि इसमें पूछा है त्रिभुज का सबसे छोटा कोड, तो 28 निकल के आया तो 28 आंसर हो गया। पूछा होता सबसे बड़ा कोड, तो आपका इसमें सबसे बड़ा कोड यही 82 है, तो 82 आंसर निकल के आ जाता। बीच का कोड 70 हो गया, ठीक। कहीं पर कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने इस प्रकार का लगाया था, उसमें छूट दिया गया था, इसमें लाभ दिया जा रहा है। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा, माना जो 100 है उसे 1975 में खरीदा, अब 12% के लाभ पर बेचा, 12% के लाभ पर बेचा तो इसमें 112 हो जाएगा के लाभ पर बेचा, तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे 1975 बटे 100 करेंगे गुणे 112, 1975 गुणे से 112, इसको आप काट पीट लीजिएगा और तो ये 2212 आंसर आएगा, 2212 ऑप्शन नंबर डी आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन ने पाँच हज़ार रुपये को 3 साल के लिए निवेश किया, अलग अलग ब्याज दर पर अलग अलग वर्ष, इसमें अलग अलग है तो आप अलग अलग निकालते चले जाओ यार, आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। पहले वर्ष पाँच हज़ार रुपये है, पहले वर्ष उसने 3% सॉरी पहले वर्ष उसने 4%, दूसरे वर्ष 3%, तीसरे वर्ष 2%, तो पहले वर्ष उसने 4% की दर से दिया 1 साल के लिए, तो कितना हुआ यहाँ पे देखेंगे, काट पीट करेंगे तो ये लगभग निकल के आया 200 रुपये। पहले साल 200 रुपये ब्याज मिला, दूसरे साल जो 3% मिलेगा वो इस 200 पर भी मिलेगा, मैंने कि जो रुपया था 5000 और ये 200 मिलके 5200 हो गया, 5200 पे मिलेगा 3% की दर से 1 साल के लिए। अब इसको काट पीट करोगे तो आपका ये निकल के आएगा लगभग ये 156 आएगा, 156 यानी कि 156 अगले जो तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 5200 में 156 जोड़ के मिलेगा, तो 5200 में 156 जोड़ोगे तो 5356 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2% की दर से मिला, 2 × 1/100 यहाँ पे 100 करोगे तो यहाँ पे आएगा, इसको काट पीट करोगे 107.12 आएगा, ठीक है। अब 107.12 जब ऐड करोगे किस में, 5356 में, तो आंसर निकल के आएगा 5463.12, ये वाली 1-2 आ जाएगी, 5463 यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट आपके सामने यहाँ पे बगल में एक और दिया है, तो 5463 निकल के आया, आपने सॉल्व किया तो आंसर निकल के आ गया, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक टैंक एक पाइप को पी द्वारा 32 मिनट में भरता है और पाइप क्यू द्वारा 36 मिनट में भरता है, और जब यह भर जाता है तो 20 मिनट में पाइप आर द्वारा खाली किया जाता है, 20 मिनट में पाइप आर द्वारा खाली किया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है, वही कल जो लोग देखे थे उनको मैंने बताया था ये वाला मेथड, टोटल एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम के निकालने के लिए 45 आ जाएगा, थोड़ा सा ये 40 आएगा और ये आएगा आपका 72। कैसे किया है, 142 में 32 का भाग दे दिया है, तो ये घंटे का कार्य निकल के आ गया, क्षमता निकल के आ गया, इफिशेंसी निकल के आ गया। अब पूछा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, अब बताइए ये तो भर रहा है ये खाली कर रहा है, ये जो खाली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 80 85, और कितने से 85 से भर रहा है, कितने से खाली कर रहा है, 72 से, तो टोटल जो काम कर रहा है तीनों जब चालू कर दिए जाए तो टोटल कर रहा है 13 कर रहा है, लेकिन आधा टैंक को भरना, ये तो पूरा हो गया, पूरी कैपेसिटी आ गई टैंक की, लेकिन आधा भरना, आधा मतलब इसका आधा करोगे तो 720 आ गया, 720 भरना है हमें 13 के ये, ठीक है। तो यहाँ पे काट पीट करोगे 55 सही, 5/13 आंसर निकल के आ गया। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस की ढेर सारे, ठीक, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए। एक नाव, यहाँ पे एक तरीका जान, नाव अगर जो चल रही है शांत जल में 20 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है, अगर जो नाव धारा की चाल, मान लीजिए धारा की 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चल रही है शांत जल में, ठीक है, अगर जो धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा होती तो अगर जो वही नाव जब धारा की दिशा में चलती है तो 25 किलोमीटर पर घंटा की चलती है, 25 किलोमीटर यानी कि धारा की गति ऐड हो जाती है, लेकिन वही नाव अगर जो मान लीजिए 10 किलोमीटर धारा की गति है
और नाव की चाल यहाँ पे बात करें 15 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर घंटा है, और धारा की चाल कितना 10 किलोमीटर पर घंटा है। तो अगर जो नाव धारा इधर चल रही है, नाव इधर चलेगी 15 किलोमीटर पर घंटा से, तो ये माइनस हो जाएगा कितना, 15 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर ही अगर जो धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो गति रह जाएगी। अगर जो यही नाव इधर धारा की दिशा में चलने लगेगी, तो आपको पता है नाव की गति 15 है और धारा की गति 10 है, तो 15 10 25 हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये वाला वही ट्रिक लगेगा। शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, 20 किलोमीटर पर घंटा शांत जल में नाव की चाल, तथा नाव धारा के विपरीत दिशा में जब चलती है तो 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो 20/4 हो गया, बराबर हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा, विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में चलने पर 5 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ गया जो मैंने ट्रिक पहले बताया। तो यहाँ पे अगर जो हमारा विपरीत दिशा में शांत जल में 20 किलोमीटर पर घंटा है और विपरीत दिशा में चलिए तो 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो धारा की गति होगी 15 किलोमीटर पर घंटा होगी, जिसके के कारण जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोई ज़रूरी नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको पता रहना चाहिए, लेकिन तरीका ट्रिक आप जब क्वेश्चन लगाने लगोगे तो आसानी से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे कौन सा क्वेश्चन होता है। एक पाइप ए है, हौज को 14 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी के साथ वही पाइप बी के साथ मिलकर 12 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप खोल दिए गए, क्या हुआ, दोनों पाइप खोल दिए गए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 84, और ये 6 हो गया, 7 हो गया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, यदि बी अकेले हौज को कितने घंटे में भरेगा। यहाँ पे देखिए ए का काम है जो 1 घंटे का 6 है, ए प्लस बी दोनों का मिलकर काम है 7 है, यानी कि ए अकेले 6 काम करता है और ए प्लस बी मिलकर 7 काम करते हैं, तो बी का काम सिर्फ अकेले का 1 है, ठीक है, तो 84/1 हो जाएगा, यानी कि 84 घंटे में यहाँ पे बी अकेले हौज को भरेगा। नेक्स्ट है, 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। 4 प्रशिक्षित मजदूर हैं, एक तालाब को बनाते हैं 8 दिन में, और वहीं 8 अप्रशिक्षित मजदूर 12 दिन में समय लेता है, और तीन प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूर उसको बनाने में कितना समय लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, MDH मसाले जानते होंगे, तो MDH फार्मूला है मैन दिनांक घंटे। तो यहाँ पे 4 प्रशिक्षित मजदूर, तो प्रशिक्षित की बात करें, 4 प्रशिक्षित ये वाले प्रशिक्षित वाले हो गए, 4 प्रशिक्षित तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं, तथा वहीं अप्रशिक्षित की बात करें तो 8 अप्रशिक्षित जो मजदूर हैं वो इसी को बनाने में 12 दिन का समय लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका 8 से 8 कट गया, 4 से कट गया, 4 1 4, 4 3 12 है, यानी कि यहाँ पे 1 प्रशिक्षित बराबर 3 अप्रशिक्षित मजदूर के बराबर है। एक प्रशिक्षित मजदूर काम करता है 3 अप्रशिक्षित मजदूर के बराबर। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तीन प्रशिक्षित और प्लस 15 अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा तालाब बनाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 1 प्रशिक्षित बराबर 3 अप्रशिक्षित, तो यहाँ पे ये देखिए 15 प्रशिक्षित है और यहाँ पे 3 प्रशिक्षित है, 1 प्रशिक्षित बराबर 3, तो यहाँ पे 3 में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 3 × 3 हो गया आपका 9, 9 अप्रशिक्षित ये भी हो गया, प्लस 15 अप्रशिक्षित, ठीक है, तो 15 और 9 कितना हो गया, 24 अप्रशिक्षित मजदूर तालाब को बनाएंगे, ठीक है, तालाब को बनाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे निकला था हमारा, एक चीज हमारा निकला था कि 8 अप्रशिक्षित मजदूर, दूसरा वाले देखिए 8 अप्रशिक्षित मजदूर इसको बनाने में 12 दिन का समय लगते हैं, तो 24 कितने दिन का समय लेंगे आपका, कितने दिन का समय लेंगे, यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे फिर से इसको लगाते हैं थोड़ा सा, ये सही है, यहाँ तक सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 24 अप्रशिक्षित मजदूर मिल के तालाब को बनाएंगे, और यहाँ पे दिया है 8 अप्रशिक्षित मजदूर द्वारा इसे 12 दिन में समय लगता है, तो यहाँ पे टोटल 24 हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 क्या है, यहाँ जगह नहीं, जगह का थोड़ा सा इशू है, अभी सब हट जाएगा, ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं,
तो 24, यहाँ पे 24 अप्रशिक्षित मजदूर हैं, ठीक है। तो 24 अप्रशिक्षित मजदूर तालाब बनाते हैं बराबर। यहाँ पे देखिए 8 अप्रशिक्षित 12 दिन का समय लेते हैं, तो यहाँ पे 24 लेंगे, आपका हो जाएगा 12 × 8/24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप काट पीट करेंगे, 12 × 24 ये 8, ये 4 दिन में आपका बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका ये रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप 3 × 6 7/3 हो जाएगा, 7/3 ये हो जाएगा माइनस, और ये आपका 5 है, 5 प्लस, और ये आपका 2 − 3 करेंगे तो −1 हो जाएगा कोष्टक में, प्लस 7/2 हो गया, ठीक। अब आगे देखिए 7/3 हो गया माइनस, आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 − 1 ये 4 हो गया, −4 हो गया, प्लस 7/2, इसको सॉल्व कर लो और फिर इसको घटा दो, तो आपका 11/6 आंसर निकल के आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पी प्लस क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्यू अकेला इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो पी अकेला इस कार्य को करेगा, 10 × 30 हो गया, 6 × 25 = 30, 10 × 30। उसके बाद क्यू का एक दिन का कार्य, पी दी क्यू का 5, क्यू का 3, तो पी अकेला करेगा, पी का कार्य हो गया 2, तो 30/2 यहाँ से आपका 15 निकल के आ गया। पी प्लस क्यू का कार्य 5 है, क्यू का 3 है, तो पी का निकल जाएगा, हम घटा देंगे 5 में से 3, तो 2 आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे पी का कार्य और टोटल कार्य 30 है, तो यहाँ पे 30 में से 2 का भाग दे देंगे, तो 15 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई आरेख में 2017 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर निर्माण की जानकारी प्रदर्शित है, टायर निर्माण की जानकारी प्रदर्शित है। उसके बाद इसमें दिया है, यदि 2017 के दौरान भारत में कुल उत्पादित टायर की कुल संख्या यहाँ पे इतनी दी है, तो कंपनी की द्वारा कितने, तो यानी कि कुल उत्पादन मतलब 100 में इतना टायर बनाया, 180 30। उसके बाद ई द्वारा कंपनी कितने टायर बनाए, ई में देखेंगे तो 25%, तो 25% इसका निकाल लेंगे, तो 101 इसमें 1 लाख मतलब 80,000 में 1,80,000 में हम 25 का भाग देंगे, सॉरी इस 100 का भाग देंगे, 25 का गुणा करेंगे, ठीक है, 25 × 4 ये आप 4 से काट देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 45,000, 25% बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे मैथ के आपके 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा लेट मिला, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।